Hello dear students, in high voltage engineering we are covering breakdown in gases and our today's topic is Townsend's criterion and limitations. Students, हमने last class में Townsend's theory की बात करी थी. अब हम बात करेंगे the conditions where Townsend's got failed और उसके बाद streamer theory का evolution हुआ. Today this is lecture number 6. Means we are going to discuss failure of Townsend's theory. Means Townsend's की theory ने किन-किन concepts को एक्सप्लेन नहीं किया, कवर नहीं किया, जिसके वजह से एक्चुअल प्रैक्टिकल कंडीशन में मेरे पास जो ब्रेकडाउन कंडीशंस थे वो डिफरेंट थे, जबकि टाउनसेंड के प्रेडिक्शन थोड़े डिफरेंट थे. मींस अकॉर्डिंग टू द टाउनसेंड्स थ्योरी द करेंट ग्रोथ अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ आयोनाइजेशन प्रोसेस ओनली. टाउनसेंड ने हमेशा इस बात पे जोर दिया है कि जो भी करेंट ग्रोथ होगा वो आयोनाइजेशन प्रोसेस की वजह से ही होता है. देयर इज नो एनी काइंड ऑफ अदर थिंग्स व्हिच इज गोइंग टू इंपैक्ट फॉर द करेंट ग्रोथ इन डाइलेक्ट्रिक एलिमेंट्स. बट एक्चुअली जो रियल में जो कंडीशन था इट वॉज समथिंग डिफरेंट. बट इन प्रैक्टिस ब्रेकडाउन वोल्टेज वेयर फाउंड टू डिपेंड ऑन द गैस प्रेशर एंड द ज्योमेट्री ऑफ गैप. टाउनसेंड ने इस चीज को टोटली कंसीडर नहीं किया था कि गैस प्रेशर एज वेल एज जो हमारे पास गैप है उसका जो ज्योमेट्रिकल शेप है इस पे भी मेरा ब्रेकडाउन वोल्टेज डिपेंड करेगा, करंट का ग्रोथ डिपेंड करेगा. वो उसने सिर्फ बोला था कि जो भी डिपेंडेंसी होगी वो टोटली आयनाइजेशन प्रोसेस पे होगी. तो विच वॉज फेल्ड एंड फाइनली इट वॉज इवॉल्व बाय द स्ट्रीमर थ्योरी. According to the Townsend's, the next statement was the Townsend's mechanism predicts a very diffused form of discharge. लेकिन actual में हम बात करें तो discharge जो था वो filamentary और irregular था. Townsend's ने कहा कि जो भी discharge होगा gaseous dielectric material में वो हमेशा diffused discharge होगा, लेकिन practically वो discharge filamentary और irregular था. Means there were so many contradiction according to the Townsend's theory and the practical situation. So that's why here these all are called limitations or failure points of the Townsend's. Now let's talk about limitations of Townsend's theory. Dear student, this is the picture of John Henry Townsend. मुझे ऐसा लगा कि आपको जिस भी साइंटिस्ट के बारे में हम इतने डिटेल में पिछले कई क्लासेस से पढ़ रहे हैं तो आपको उनके बारे में अच्छे से जानना चाहिए. That's why I have uses a picture here. Means here I am going to discuss the limitations of Townsend's theory जिसपे स्ट्रीमर ने वर्क करा. Means as I told you, generally Townsend's failed to explain the formative time lag of breakdown. The mechanism predicts time lag of order of 10⁻⁵ seconds. लेकिन practically यानी actual में जो time lag था उसकी value different थी and it was it is very short as compared to the time prediction of the Townsend that it was 10⁻⁸ seconds. So there was a huge difference in the time lag of Townsend's theory and the reality, means the practically what time generally it considered for the breakdown. So here there was another problem in the Townsend statement. Again, Townsend fails to explain the effect of a space charge. He not generally discussed in his theory what kinds of effects of a space charge generally give on the breakdown of the dielectric or gaseous medium. He also fails to explain the discharge under high potential differences. Means Townsend ने कभी इस बात का generally discussion ही नहीं करा कि high potential differences के वजह से किस type के डायलेक्ट्रिक गैस डायलेक्ट्रिक मटेरियल पे इंपैक्ट हो सकते हैं, किस टाइप के डिस्चार्ज हो सकते हैं. तो दीज ऑल आर कॉल्ड लिमिटेशंस और फेल्योर ऑफ टाउनसेंड्स. ये सारे लिमिटेशंस और फेल्योर जनरली स्ट्रीमर के द्वारा जनरली कवर अप किया गया था. तो इन द नेक्स्ट क्लास डियर स्टूडेंट वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रीमर थ्योरी. हम स्ट्रीमर के स्टेटमेंट एज वेल एज एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा. अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प योर सॉल्व योर डाउट. और कोई सजेशन है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें. डियर स्टूडेंट, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एज वेल एज कमेंट करें. आप प्लीज बेल आइकन क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आपको मिले. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू वेरी मच.